जैसे कि दोस्तों ये 55 वा जो सवाल है इसमें दे रखा है इस प्रकार से का मान है, अपन को इसमें मान निकालना है। तो देख के अपन देखते हैं कि इसको हम इस प्रकार सेट करते हैं, इस पार्ट को पूरे पार्ट को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं इस साइड में, और इधर वाली वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू को इस प्रकार लाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, 36 एलसीएम आ जाएंगे इनके। ठीक है, 18 का भाग 36 में दो बार 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 34, इसका 3 का भाग 36 में। जैसे कि दोस्तों 56 नंबर का जो सवाल है इसमें दे रखा है x की पावर 4 प्लस 9 के गुणनखंड हैं। देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, यदि ए की वैल्यू यदि हम एक्स स्क्वायर रखते हैं, बी की वैल्यू 3 रखते हैं, तो इधर हम देखेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी और प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएंगे। ये वाली वैल्यू अपने पास में ये वाली वैल्यू है सही है। ठीक है, अब इधर इसमें a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 a के स्थान पर x स्क्वायर इन टू b के स्थान पर 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसको 106 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते, तो 106 का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी होती हैं। ये वाली वैल्यू एक बार इसको प्लस के रूप में ले लेंगे इन दोनों को, और एक बार इन दोनों को माइनस के रूप में ले लेंगे। अब 106 एक्स को बीच में ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस के 106 बीच में ले लेते हैं, तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों ये 57 वाला सवाल है, यदि समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तब k का मान बताना है। हम मान लेते हैं इस समीकरण का एक मूल तो एल्फा है, दूसरा वाला 1/एल्फा मान लेते हैं, और एक जो मानक समीकरण होते हैं द्विघात समीकरण उसके मूलों का गुणनफल होता है एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होता है। ठीक है, अब इस समीकरण का इसे कंपेयर करते हैं हम, तो एक मूल एल्फा दूसरा वाला मूल है अपने पास में 1/एल्फा, k की वैल्यू c की वैल्यू यहाँ k है और a की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5k/5 आ जाएंगे, यहाँ एल्फा से एल्फा कैंसिल हो जाएंगे तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये जो 58 वाला सवाल है इसमें खेत में 2000 चूहे रहते हैं और जो वर्दी होती है उनमें 1000 की वर्दी होती है परंतु 200 चूहे मर जाते हैं, तो कुल कितने की वर्दी हुई है, 800 की वर्दी हो जाती है। अब अपन को प्रतिशत वर्दी निकालनी चूहे की, तो 800 बटा पहले कितने थे 2000 थे इंटू 100 कर देंगे, तो इस प्रकार से 40% वर्दी आ जाएगी इसकी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों ये 59 वाला सवाल है इसमें दिया है, ठीक है, बड़े गण का जो किनारा है वो 24 सेमी है और छोटे गणों की संख्या 27 गण है। तो यदि हम एक छोटे गण का आयतन निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बड़े गण का आयतन में छोटे गणों की संख्या का भाग लगा देंगे। बड़े गण का आयतन इस प्रकार 24 × 24 × 24 हो जाएंगे। ठीक है, और अपन नीचे 27 से डिवाइड करके देखेंगे तो इस प्रकार से 888 आ जाएंगे ये। अब छोटे गण का किनारा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इसमें छोटे गण का किनारा 8 हो जाएगा, 8 सेमी हो जाएगा। अब छोटे गणों का यदि क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, इसमें 6 × 88 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से 384 सेमी² उसका छोटे गण का क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों जो 61 वाला सवाल दे रखा है सीधा सा सवाल है, इसमें कोई कुछ नहीं करना अपन को, ये जो लाइन दे रखी है ये y = -1 वाली लाइन का इक्वेशन है ये, या उसके ग्राफ है ये। अब अपन को क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का इस लाइन से जो इमेज होगा वो इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 इकाई है, तो 5 इकाई नीचे इसका इमेज होगा, तो यहाँ से 5 फिर गिन लेते हैं नीचे, तो ये माइनस एक में तो है सही है, फिर 5 गिने तो कहने का मतलब जो पॉइंट है ये पॉइंट किस में आ जाता है, माइनस के 6 के सामने आ जाता है, तो x के मान में तो कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं है, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके इमेज के कोऑर्डिनेट 3 -6 हो जाएंगे, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
कि दोस्तों ये 62 वाले सवाल में दे रखा है कि OE की जो वैल्यू है इसकी लंबाई है 4 सेमी है। तो अपन जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज हैं, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, तो अगर ये 4 हैं तो ये भी 4 होगी, तो कहने का मतलब PE की लंबाई जो है वह 8 हो जाएगी। अब इसमें दे रखा यदि हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसकी लंबाई एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इसमें कहा गया है कि इसकी जो वैल्यू है HL की वैल्यू है वह इससे 5 ज़्यादा है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगी 13 हो जाएगी ये। अब अपन को तो OH की वैल्यू निकालनी है, तो OH की वैल्यू क्या हो जाएगी, HL का हाफ हो जाएगी, मतलब 6.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों ये 64 वाला सवाल है, इसमें इसका मध्यानुपाती पूछा गया है, प्रथम संख्या ये है, द्वितीय संख्या ये है, और हम जानते हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या का वर्गमूल होता है। प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे इसको, तो एक बार एक ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएंगे, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको अंडरूट के बाहर निकालेंगे तो ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों 67 वाले सवाल में दे रखा है कि लॉग 3y इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो 3 की जो पावर एक्स है उसकी वैल्यू वाई की इक्वल है, और लॉग 2z इक्वल टू एक्स दे रखा है, इसका मतलब 2 की पावर एक्स की वैल्यू जेड की इक्वल है। तो यदि हम इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब वाई इंटू जेड, अब यदि इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9x आ जाएंगे इधर, तो और यहाँ हो जाएंगे ये फिर 8x हो जाएंगे, ये स्क्वायर ये जेड क्यू बार आ जाएंगे, क्योंकि जेड 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 की पावर एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर जेड क्यू हो जाएगी।